हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंडम रसोईया। आज हम आपके साथ दो टाइप्स के इंस्टेंट पिकल, दो तरीके के तुरंत बनने वाले अचार शेयर करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल भर के कच्चा आम लिया है, उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं उसमें घर का बना हुआ या बाहर का जो रेडीमेड अचार मसाला आता है वो डालूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि अचार मसाले में नमक आता ही है। और दो बड़े चम्मच भर के तेल डालूंगी और मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो ये अपना 2 मिनट में अचार बनके रेडी हो जाता है। और ताज़ा अचार अच्छा भी रहता है, खाने में भी मज़ा आता है। अभी गर्मी स्टार्ट हुई है तो अभी मार्केट में कच्चे आम मिलते हैं, तो तुरंत आप बना के खा सकते हो। दूसरे इंस्टेंट अचार के लिए ये मैंने आम को ग्रेट कर दिया है, वो मैं एक बाउल भर के लूँगी। ग्रेट किया हुआ आम, उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी और नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से। और सबसे लास्ट में इसमें हम तेल डाल देंगे। ये मैंने शिंग दाने का ही तेल लिया है, अगर इसमें सरसों का तेल डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक हमने इंस्टेंट अचार की रेसिपी दिखाई, उसमें हमने जो अचार मसाला है वो यूज़ करके बनाई, और जिसके पास अचार मसाला अवेलेबल नहीं है तो वो ये तरीके से बना के अचार को एंजॉय कर सकता है। दूसरा कचुंबर हम कच्चे वाले आम और हरे वाले अंगूर का बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कप कच्चा आम लिया है और 1 कप मैंने अंगूर को काट के लिया है 1 के 3 टुकड़े करके। ये मीठा वाला अंगूर लिया है मैंने। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, अचार मसाला डाला है मैंने टेस्ट के अनुसार। और इसमें मैं 2 चम्मच भर के अपना कुकिंग ऑयल डालूंगी और फिर उसको मिक्स कर दूंगी। अचार मसाला कम तीखा है, इसके लिए मैं 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दूंगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। ये भी गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा कचुंबर है, जो गर्मियों के सीज़न में अच्छा भी लगता है और सबको पसंद भी आएगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बना।